खबर टोंक जिले से है, जहां सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया की मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक और जहां पिछले दिनों उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर सूचनात्मक तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ने का बड़ा आरोप लगाया, तो साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत कर नामांकन रद्द करने की मांग की। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को प्रदेश स्तर पर भेजकर शिकायत की जाएगी। टोंक से कजौर गुर्जर की रिपोर्ट। चुनाव अभिकर्ता जी ने हमें जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने शपथ पत्र दिया है, उसके खिलाफ जो उन्होंने शाखे छुपाए हैं उनके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी को उन्होंने पत्र द्वारा हमें लिखा है, जिला कांग्रेस कमेटी को, कि आप बीजेपी के जिन्होंने शाखी छुपाए हैं उनके क्रम में आप लिखो। उस क्रम में हमने तथ्यों को छुपाने एवं सार्वजनिक धोखाधड़ी करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम गए और वहां हमने 2024 को भाजपा की ओर से प्रत्याशी सुखबीर जोर में जो 67 लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया, उसमें प्रस्तुत शपथ पत्र के चरण संख्या 5 में की गई घोषणा में आपराधिक रिकॉर्ड को जानबूझकर छुपाया गया है एवं श्री जौनपुरिया ने उनके विरुद्ध दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों का विवरण नहीं दिया है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेके रख लिया और हमसे कहा, हम सब गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था कांग्रेस का पूरा, जिसमें अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे, तो कोतवाल साहब ने कहा साहब मैं नहीं कर सकता। जाहिर है वो सरकार के दबाव में है।